करनाल में अमृत मिशन के तहत चल रहे कार्य अब प्रगति की राह पर है, जिससे सीवरेज, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और स्टोरूम वाटर के डिस्पोजल से नागरिकों का भविष्य और बेहतर बनेगा। इन पर 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च होगी। सीवरेज और पेयजल आपूर्ति के सभी कार्य दिसंबर अंत तक, जबकि बरसाती पानी की निकासी के कार्य आगामी फरवरी तक पूरे होंगे। शनिवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कैंप कार्यालय में इन कार्यों को कर रही विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर जानकारी ली और निर्देश दिए कि अमृत मिशन के सभी कार्य अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट कर लिए जाएं, ताकि नागरिकों को सुविधा मुहैया करवाई जा सके। उपायुक्त ने बताया कि वाटर सप्लाई के कार्यों पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें से अब तक 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों के पूरे होने पर नगर निगम से जुड़े 16 गांवों के लोगों को पर्याप्त मात्रा में व शुद्ध पेयजल मुहैया होगा। इसके लिए कुल 49 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसमें से 45 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जा चुकी है। उचाना, दाहा, जागी, फूसगढ़ और जरीफा वीरान में 5 नलकूप भी लगाए गए हैं, जिनसे वाटर सप्लाई दी जा रही है। इस कार्य में 6,340 पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। बैठक में उपायुक्त ने स्टोरम वाटर ड्रेन के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके लिए 50 किलोमीटर लंबी बॉक्स टाइप ड्रेन बनाई जानी प्रस्तावित थी, जिसमें से 36 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। शेष आगामी फरवरी तक पूरा करने का टारगेट दिया गया है। स्टोरम वाटर के कार्य में 4 रेन वाटर हार्वेस्टर भी बनाए जाने हैं, जिनमें झिंझाड़ी व सैदपुरा में कार्य प्रगति पर है, जबकि उचाना व धौलगढ़ का काम शुरू होने जा रहा है। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे किए गए कार्यों का किसी भी दिन औचक निरीक्षण करेंगे, जिसमें नलकूपों से घरों में पहुंचाए जा रहे पेयजल और सड़क की रेस्टोरेशन के कार्य को चेक किया जाएगा। बैठक में उन्होंने बड़ौता और बजीदा ड्रोन के लेवल को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में कार्यकारी अभियंता सतीश शर्मा, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता के अतिरिक्त विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज हमने करनाल शहर में जो अमृत योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, उनका रिव्यू किया। इसमें मेनली सीवरेज लाइन का डालना, स्टॉर्म वाटर लाइन का डालना, पानी के पीने की लाइन की सप्लाई, ट्यूबवेल्स लगाना, रेन वाटर हार्वेस्ट बनाना, पंपिंग स्टेशन बनाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, ये शामिल हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कुल कीमत लगभग 200 करोड़ के से ऊपर है। और इसमें जहाँ तक अगर मैं वाटर सप्लाई की बात करूँ, तो इस जो टोटल प्रोजेक्ट था, इसमें 49 किलोमीटर लेंथ की वाटर सप्लाई लाइन डलनी थी, जिसमें से 44 किलोमीटर की लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पानी की जो लाइन है, इससे संबंधित मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक हम ये सारा कार्य पूरा कर लेंगे। 5 ट्यूबवेल लगने थे, 5 ट्यूबवेल इसमें लगाए जा चुके हैं। जहाँ तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात है, तो 37 किलोमीटर में स्टॉर्म वाटर ड्रेन डलनी थी, जिसमें लगभग 31 किलोमीटर की ड्रेन डल चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बनने हैं 4 जगह पे, झंझाड़ी, सैदपुरा, उचाना और ढोलगढ़ गांव में, इन चारों जगह पे कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशंस बनने थे 3 जगह पे, वहाँ पे भी कार्य जल्दी ही शुरू करा दिया जाएगा। जहाँ तक मैं सीवरेज लाइन डालने की बात करूँ, तो इसमें लगभग हमारी टोटल जो 50 किलोमीटर लेंथ की डलनी थी सीवर लाइन, 150 किलोमीटर की जो लेंथ की डलनी थी, उसमें से 132 किलोमीटर लेंथ की हमारी सीवर लाइन डल चुकी है। साथ ही जो दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे, उनका भी कार्य प्रगति पे है और हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक उसको पूरा करा लें। और जितना भी ये जो पाइपलाइंस डालने का कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ ही रिस्टोरेशन का वर्क्स भी, वो काम भी तरक्की पे है, प्रोग्रेस पे है। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही लाइंस डलती हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो या सीवर हो या स्टॉर्म वाटर हो, साथ साथ ही हम रोड को भी रिस्टोर कराते रहें, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.